विद अनुसार जो नया गुड़ होता है वो पचने में हल्का होता है, आपके यूरिन को साफ करने में हेल्प करता है, पर वो कफ, सर्दी, खांसी और बर्न्स कर सकता है। जो पुराना गुड़ है वो ज़्यादा हितकर होता है, पचने में हल्का होता है, आपके हृदय के लिए अच्छा होता है, यूरिन साफ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा रेगुलर कंज्यूम करने से आप में स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है। आयुर्वेद अनुसार गुड़ के अंदर बहुत अच्छे विटामिन, मिनरल्स और आयरन पाया जाता है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप गुड़ ले सकते हैं। किसी प्रकृति के लोगों को गुड़ स्वभाव से गर्म पड़ सकता है, इसलिए अगर आपको आपकी प्रकृति की जानकारी नहीं है और आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप गुड़ को घी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। आयुर्वेद अनुसार गुड़ को दूध के साथ में, फल के साथ में, उड़द के साथ में और तेल के साथ में नहीं लेना चाहिए, पर मकर संक्रांति के जो 15 दिन होते हैं उस समय पे ऋतुचर्या के हिसाब से गुड़ को तेल के साथ खाना बलवर्धक होता है, पर गुड़ को दूध के साथ नहीं लेना है, इसलिए गुड़ की बनी हुई चाय नहीं लेना चाहिए।